सावरकर वाले बयान को लेकर महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी और शिवसेना पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का बयान शर्मनाक है। सावरकर ने 12 साल जेल में टॉर्चर सहा, राहुल जी 12 घंटे भी नहीं सह पाएंगे। फडणवीस ने शिवसेना पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पर शिवसेना का रवैया नरम क्यों है, सत्ता के लिए कैसे कैसे लोगों से गठबंधन किया है। तो सीधे तौर पर शिवसेना और राहुल गांधी पर देवेंद्र फडणवीस ने निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी सावरकर के नखून के बराबर भी नहीं, सत्ता के लिए कैसे कैसे लोगों से गठबंधन किया है, ये सीधे तौर पर शिवसेना पर निशाना साधा है। तो कांग्रेस पर शिवसेना का रवैया आखिर नर्म क्यों है। तो जिस तरह से राहुल गांधी ने बयान दिया कि मैं राहुल सावरकर नहीं राहुल गांधी हूं, उसी के चलते अब विवादों में एक बार फिर से अपने बयान को लेकर राहुल गांधी और लगातार सियासत जो है वो उस पर गरमाई हुई। और अब देवेंद्र फडणवीस ने भी राहुल गांधी के बयान पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि 12 घंटे भी नहीं सह पाएंगे वो टॉर्चर जो जेल में रहकर वीर सावरकर ने सहा। तो नाम के आगे गांधी लगाने से कोई गांधी नहीं होता। तो देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सत्ता के लिए आखिर कैसे कैसे लोगों से गठबंधन किया है, कांग्रेस पर शिवसेना का रवैया नर्म क्यों। एक ही क्रांतिकारक के साथ हुआ जो राहुल गांधी इन्होंने बयान दिया है, बहुत ही शर्मनाक बयान है। सावरकर जी के बारे में शायद वो जानते नहीं है, 2 बार काले पानी की सजा होना ये भारत के इतिहास में एक ही क्रांतिकारक के साथ हुआ है, उसका नाम स्वतंत्र वीर सावरकर है। 12 साल अंडमान की काल कोठरी में स्वतंत्र वीर सावरकर जिस प्रकार के अनन्वित अत्याचारों को उन्होंने सहन किया है शायद ही देश के इतिहास में किसी ने किया होगा। राहुल गांधी 12 घंटे भी ऐसी काल कोठरी में रह नहीं सकते और इसलिए उनको ये बोलने का अधिकार नहीं है। केवल गांधी अपने नाम को लगा लिया, इससे कोई गांधी नहीं होता। और मुझे लगता है कि बिल्कुल ही गलत इस प्रकार का यह बयान है, हम इसकी निंदा करते हैं।